बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ प्याज के पकोड़े। इसके लिए मैं ली हूँ 250 ग्राम बेसन और ये है एक बड़े साइज की प्याज, ये भी मैं कट कर ली। अब ये इसमें डाल देंगे। अब प्याज डालने के बाद 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालती मैं, और ये 1/2 टीस्पून सोडा, ये खाने का सोडा है, और ये है 1/2 टीस्पून नमक। फिर इसी में ही मैं 10 से 12 करियापाक के पत्ते ली, ये भी डाल देंगे। ये करियापाक के पत्ते डालने से इसमें टेस्ट में और इजाफा हो जाएगा। और ये 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, ये भी इसमें डाल देंगे। और ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और ये है 4 हरी मिर्च जिसको मैं कट कर ली, ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। और ये 1 मुट्ठी हरा धनिया है, ये भी कट कर ली मैं, ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। इन सब चीजों को ऐड करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करते जाएंगे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करते जाएंगे। इसको अच्छा से मिलाना है, इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। ये प्याज के भजिए बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे। अब ये मैं आटे को अच्छा मिक्स कर ली। इसको आधे घंटे के लिए आटा भीगने के लिए रख देना है। अब आधा घंटा हो चुका है, ये आटा अच्छे से सेट हो गया, भीग चुका है। और मैं एक कढ़ाई में तेल डाल चुकी हूँ और ये तेल गर्म हो रहा है। ये अब भजियों को हम ये फ्राई करेंगे। गर्म हो रहा है, अब मैं ये बेसन को थोड़ा थोड़ा हाथ से लेके तेल में डालती जाऊंगी। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तेल अच्छा गर्म होने के बाद ही आप ये भजियों को इसमें डालते जाइए। अब ये भजियों को मैं पलटा लूंगी, एक साइड से अच्छे से सिक चुके हैं ये, मैं इसको पलटा ले रही हूँ। अब ये भजिए अच्छे से फ्राई हो गए, इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। इस बैटर में आप अपने हिसाब से नमक मिर्च अपने हिसाब से क्वांटिटी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं।